उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रदेश सरकार ने दर्जन भर से ज्यादा CMO के तबादले कर दिए हैं। तो आइए जानते हैं किसको कहां मिली तैनाती। रोहतास कुमार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरदोई की जिम्मेदारी मिली है। वहीं डॉक्टर अश्विनी कुमार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनभद्र बनाया गया है। डॉक्टर सुनील कुमार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी औरैया बनाया गया है। डॉक्टर महावीर सिंह को मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागपत के रूप में नई जिम्मेदारी मिली है। वहीं डॉक्टर रमेश चंद को मुख्य चिकित्सा अधिकारी मैनपुरी बनाया गया है। बात करें डॉक्टर संजय चैन की तो उनको मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या के रूप में तैनाती मिली है। डॉक्टर अंशुमान सिंह को मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमेठी बनाया गया है। डॉक्टर देश दीपक को गाजीपुर का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है। डॉक्टर रामबदन राम को मुख्य चिकित्सा अधिकारी फिरोजाबाद के रूप में नई जिम्मेदारी मिली है। डॉक्टर राजीव अग्रवाल मुरादाबाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी बने। डॉक्टर हरपाल सिंह को सीतापुर का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है। डॉक्टर CL वर्मा को मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिर्जापुर के रूप में नई तैनाती मिली है। डॉक्टर नंद कुमार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी मऊ का नया कार्यभार सौंपा गया है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह को अमरोहा का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है। डॉक्टर इम्तियाज को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ललितपुर की नई जिम्मेदारी मिली है, जबकि डॉक्टर अजय प्रताप सिंह को श्रावस्ती का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है। बता दें बलिया में एक हफ्ते में 100 से ज्यादा की मौत के खबरों के बाद से स्वास्थ्य व्यवस्था सवालों के घेरे में था। भीषण गर्मी के चलते अस्पतालों में काफी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। कई जिलों में सुविधा के अभाव में मरीज बाहर ही लेटे हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल सरकार ने सुधार करते हुए करीब 18 CMO के तबादले कर दिए हैं। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।